बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। सो आज मेरे किचन में बन रहा है पोटैटो पिनव्हील्स। बहुत ही इजी रेसिपी है, ये न्यू डिश है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आप इसको रमज़ान के लिए भी तैयार कर सकते हैं अफ्तार में। सो इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो गए होंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर तो इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ हम डो रेडी करेंगे। तो मैंने ड्राई बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी फ्लोर। देन इस तरह से मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल एंड देन इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। और इसको हमने थोड़ा सा हार्ड गूंदना है, इसकी डो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए ताकि ये जो ड्राई फ्लोर है उसके बगैर ही ये बेली जाए, ये मिक्स हो जाएगा जब। तो आपने इसको हाथ पे इस तरह अगर स्टिक होने लग जाए जिस तरह मैं ये कर रही हूँ इस तरह से, तो फिर दैट मींस कि ये रेडी हो जाएगी। देन लास्ट में मैं इसमें ऑयल थोड़ा सा ब्रशिंग करके तो इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट आउट में रख दूँगी। सो हम यहाँ पे स्टफिंग रेडी करते हैं। मैंने पैन लिया, उसको थोड़ा सा प्रीहीट किया और मैं ऑयल डाल दिया उसमें। ऑयल ऐड किया, उसको भी थोड़ा सा प्रीहीट करके देन इसमें मैं ऐड करूँगी क्यूमिन सीड्स एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको थोड़ा सा सॉटे करूँगी। देन इसमें मैं ऐड करूँगी अनियन एंड ग्रीन चिलीज। आप स्प्रिंग अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने इसमें ऐड करूंगी पोटैटो। जब पोटैटो आप बॉईल करें तो उसको थोड़ा सा ठंडा करके तो मैश करें, वो इजीली उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। देन इसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए। इन द लास्ट इसमें मैं ऐड करूंगी मैश पोटैटोस और देन उसको थोड़ा सा कंबाइन करूंगी। सो माई स्टफिंग इज़ रेडी। मैंने एंड में इसमें कोरिएंडर स्प्रिंकल किया और अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए टू 30 मिनट्स के लिए इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। देन इसको मैं अप्लाई करूंगी डो के ऊपर। सो यहाँ पे हम डो रेडी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको रोल आउट कर दिया और इसके मैं पेड़े छोटे छोटे बनाऊंगी, बॉल्स छोटे छोटे बनाऊंगी जिस तरह हम रोटी के लिए बनाते हैं। देन इस तरह मैं इसको बेलूंगी। इसको थोड़ा सा हमने थिन, इसकी जो लेयर है वो थिन रखनी है। देन यू कैन सी ये बहुत थिन लेयर है इसकी। सो अब इसमें मैं स्टफिंग जो है वो स्प्रेड करूंगी। इतनी आपने स्टफिंग डालनी है कि जितना हमारा रोटी है, जितनी हमारी डो है उस पर सारी स्प्रेड हो जाए इस तरह से। तो इसको मैं रोल करूंगी इस तरह से। आपने ऐसे दबा दबा के जिस तरह मैं कर रही हूँ फाइनली इसको रोल करना है ताकि ये प्रॉपर रोल हो जाए और ये इसमें से जो मटेरियल है वो बाहर ना आए। इन द लास्ट जो मैंने स्लरी बनाई थी, ये मैंने इसकी बहुत थिन बनाई है, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा थिन है, ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। सो इसको मैं ब्रश के साथ अब लास्ट में अप्लाई करूंगी उसको रोल को बंद करने के लिए ताकि वो उसका मटेरियल बाहर ना वेस्ट हो। इसको हम अटैच कर देंगे इस तरह। देन इस तरह से मैं इसकी शार्प नाइफ के साथ कटिंग करूंगी बहुत फाइनली। आपने ना ज़्यादा ज़ोर लगाना है, इस तरह से आपने फाइनली इसको कट कर देना है। सारे पिन रोल्स मैं इस तरह से ही रेडी कर लूँगी और बाकी मटेरियल को भी इस तरह से यूज़ कर लूँगी जिस तरह मैं ये बाकी फर्स्ट मैंने यूज़ किया है। सो मैं इसको अब स्लरी में डिप करके, मैंने प्री हीट कर लिया था अपना ऑयल और मैं इन पिन व्हील्स को स्लरी में डिप करके, आप इस स्लरी के बगैर भी इसको फ्राई कर सकते हैं, इसमें डिप करके तो मैं इसको फ्राई करूँगी। और आपने नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और ऑयल को प्री हीट कर लेना है, अदरवाइज़ आपके जो पिन व्हील्स हैं वो स्टिक हो जाएंगे। सो माय पिन व्हील्स, पोटैटो पिन व्हील्स आर रेडी। दे आर वेरी क्रंची एंड क्रिस्पी। मस्ट ट्राई इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस द बेल आइकन एंड गिव द थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़।